Hi, PM अंकल. हेलो अंकल. हेलो अंकल. नमस्ते अंकल. आज हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं. सवाल नंबर एक. मेरे बड़े भैया IIT पास होकर भी उन्हें जॉब नहीं मिली. अभी आप ही बताओ, मैं पढ़ाई करूं या नहीं. सवाल नंबर दो. मेरे मम्मी पापा के बीच लड़ाई बहुत हो रही है, पता है क्यों? सब कुछ महंगा हो गया. क्या आप महंगाई को कम नहीं कर सकते? सवाल नंबर तीन. अंकल, मेरी माँ जिसके घर काम करने जाती है ना, उन्होंने एक और नई गाड़ी ले ली और इधर खर्चा चलाने के लिए पापा ने अपनी स्कूटर भी बेच दी. अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं. क्यों अंकल? सवाल नंबर चार. अंकल पता है लल्लू के पापा ने क्या किया? उन्होंने इससे लटक के अपनी जान ले ली. बेचारे बहुत कर्ज में आ गए थे. मेरे पापा भी उनकी तरह एक किसान है. किसानों को क्यों इतना ट्रबल कर रहे हो अंकल? सवाल नंबर पाँच. अंकल, मेरे दादू बताते थे कि आप काला धन वापस लेके आएंगे और सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे. अंकल आपने वादा किया था ना. अभी तक 10 साल हो गए अंकल, किसी को कुछ भी नहीं मिला, ऐसा क्यों अंकल? सवाल नंबर छह. अंकल, मेरी क्लास टीचर कहती है जो चीटिंग करते हैं उनको सजा जरूर मिलती है. लेकिन जब चीटर्स आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं उनकी सजा अपना माफ हो जाती है, कैसे अंकल? सवाल नंबर सात. पापा कहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते हो जो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड वाला गिफ्ट देते हैं, और बदले में आप उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते क्या? सवाल नंबर आठ. अंकल, मैं भी आपकी तरह दुश्मन को अपने उसके घर में घुस के मारूंगा. चाइना तो हमारे घर में ही घुस गया है. अब चाइना से डरते हो क्या? बच्चे तो वोट नहीं दे सकते, मगर आप तो दे सकते हैं. आपके आज का वोट पर हमारे कल का भारत डिसाइड होगा. सोच समझ के वोट दीजिए.